1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2023 तक के लिए राहत दी गई है। हमने इसमें कहा कि इस बिल में सेलिंग के सेलिंग से लोगों को स्थायी रूप से राहत दी जानी चाहिए, मतलब परमानेंट दे दें, क्योंकि झोपड़े को ऐसा नहीं कि दो दो तीन तीन साल के बढ़ा रहे। वहाँ पर आवास और शौचालय की व्यवस्था की जानी चाहिए। यहाँ पर गरीब लोग आते हैं, फिर गरीब लोग रोजगार कमी के कारण शहरों में आते हैं, इनके रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। मानो जो लोग गरीब हैं इनकी संख्या की कोई गिनती नहीं है। देखिए एक मिनट में मैं यही ले आया, सरकार को इनकी जातकर जनगणना 2021 में करानी चाहिए। मैंने एक मिनट में इसे दिल्ली वाले बिल पे मैं जाति जनगणना पे आ गया। इनको इनको सामाजिक और आर्थिक सुधार दी जाती है और दो तीन चीज बोला एक बार उनका काम चला। मैं कल की बात बता रहा हूँ। तो आज जैसे सभी आप साथी कहते हैं, लोग प्रयास करते हैं कि जो हम लोग आपके बीच कहते हैं वहाँ बात कहें, लेकिन वहाँ चेयरपर्सन की सीट से जो आदेश होता है ज्यादा बोलेंगे माइक काट दिया जाएगा और रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा जो बोलेंगे, ये कह दिया जाता है। सो मीडिया में नहीं जाएगा, कैमरा हटा दिया जाएगा, तो हम बोलने से फिर कोई मतलब नहीं। जो दो बिंदु हैं क्रिमिनल और दूसरी नौकरियों, दोनों में हम लोग लगातार, जब से मैं बधाई देता हूँ बीजेपी को, जब से आप लोगों ने ये मुहिम चलाई, काफी सांसद हमारे बड़े नेता भी इस विषय की तरफ बोलने लगे और कहने लगे हैं कि नहीं क्रिमिनल हटाना चाहिए। गणेश सिंह जी हमारे चेयरमैन थे ओबीसी कमेटी के, हम लोगों ने कमेटी में दबाव बनाया और उन्होंने जो है कमेटी से पास होकर गया पार्लियामेंट में, रिपोर्ट पेश हुई। इसके बाद जो है सोशल जस्टिस मंत्रालय में जो जाता है हमारा पेपर, वहाँ जब सिफारिश गई कि क्रिमिनल 16 लाख कर दी जाना चाहिए तो फिर इसको समाप्त किया जाना चाहिए, और उन्होंने एक पत्र जारी कर दिया कि जितने देश के सांसद हैं सब लोग एक पत्र प्रधानमंत्री को लिखे, उसी में उनकी क्लास लग गई। जो सही बात कहता है उसको कहने नहीं दिया जाता है। और हुआ ये फिर केवल हम ही एक आदमी निकले जो हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और हम लोग बीजेपी को भेजा भी था अपना पत्र, जब लॉकडाउन चल रहा था जुलाई का महीना था। तो हम लोग लगातार प्रयास करते हैं, सड़क से लगाकर सदन तक ये बात आपके बोलते हैं, और ये आपके लिए हमारी बात है, दिल की बात है। और जैसे आपने स्लाइड के माध्यम से दिखाया किस किस तरह से हम ढेर सारी सूचनाएं मांगते रहते हैं, लाइब्रेरी से मांगते रहते हैं, अनिल जी मेरे पास बैठिएगा तो कुछ ले आइएगा पेपर, इतने पेपर मंगा लेते तब भी वहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे हैं डायरेक्टर जो उनके बैठे हैं, जो लाइब्रेरियन बैठे हैं, जो हम चीज मांगते हैं वो नहीं देते हैं, सरकार पक्ष की दे देती है। हम मांगना चाहते हैं कि बोलने के लिए या सांसद का अधिकार होता है भाई बारे में बोलना है, फला फला विषय पर हमको जानकारी दीजिए कि देश में जो जितने मंत्रालय हैं उनमें ए कैटेगरी बी ए श्रेणी बी श्रेणी में कितने लोग जो है बैकलॉग है, कितनी वैकेंसियाँ खाली हैं, कितने बार चढ़ दिया गया, कितने नहीं दिया गया, कितनी वैकेंसियाँ स्वीकृत हैं और कितनी भरी हुई हैं और कितने में संविदा पर रखे हुए हैं, गोल मोल करके देते ये समस्या। तो जब तक हमारे लोग सब सेक्टर में नहीं होंगे, मेन की पे नहीं होंगे, क्योंकि जजमेंट जैसे मीडिया होता है, जो संपादक होता है, रिपोर्टर जो रिपोर्ट भेज देगा वो जरूरी नहीं छप, वहाँ संपादक बैठा हुआ है पूरा देखता है और उसको काट देता है, खबर नहीं छपती है। दोबारा तिबारा जब बार बार आती है उससे कहता है तुम्हें नौकरी में रहना करना कि नहीं करना, तो अच्छे लोग होते हैं तो स्विच करके दूसरी में चले जाते हैं, जिनको ये कि भाई पेट चलाना है, दूसरी मिलने वाली नहीं तो बने रहते हैं, फिर जैसा कहते हैं वैसे करना पड़ता है, यही हाल सब जगह है। तो आज जो आप लोगों ने कामयाबी हासिल की, ये लगातार काफ़ी दिनों से संघर्ष चल रहा है, जितने हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं आप लोगों ने, चूँकि यहाँ सब
पॉलिटिशियन और सब बुद्धिजीवी और यहाँ सब नेता हैं, चाहे अपने विभाग मतलब कर्मचारियों के लीडर्स हों चाहे राजनीतिक नेता, यहाँ कोई पब्लिक तो है नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि इसको जैसे शंभू जी भेजते हैं, हम शंभू जी की बात को इतना वायरल करते हैं, इतना भेजते हैं, इसी बारे में मैंने कहा था, तो आप वो सोशल मीडिया में भी इतना लोगों से जुड़ जाइए, फेसबुक ट्विटर ऐसे जुड़ जाइए, लोगों को अपने लोग देखिए, फेक अकाउंट भी लोग बनाते हैं, फेक अकाउंट बना के लिख देंगे फलाने निषाद, फलाने यादव, फलाने पटेल, तो आप उसके चक्कर में पड़े, उसको चेक करो और वो फिर आपको दोस्त बना के फिर धीरे धीरे जब उसके आइडियोलॉजी पढ़ेगी, इसकी क्या विचारधारा, क्या क्या कमेंट भेज रहा है, उसे पता चल जाएगा, तो वो दोस्त बन के भी धोखा देना चाहता है। आज सवाल ये है कि हमें सब लोगों को एकजुट होकर के, क्योंकि कल मुझे बजट पे भाषण भी देना है, 10:45 से मेरा भाषण है, आज कल से वेट कर रहा था, आज नहीं हो पाया, कल तो 1 मिनट का ही भाषण हमको 1 मिनट में निपटा दिया, कल के 14 मिनट है मेरे पास, 14 मिनट में कोई घुमा कर कहीं ना कहीं अपनी ये बात भी मैं ला दूँगा। चाहे लिटरेटरी वाला, मैंने 29 नवंबर 2019 को लिटरेटरी पे जो है प्रधानमंत्री के सामने मैंने सवाल रखा था, आप लोगों को मैंने भेजा था, प्रधानमंत्री बैठे थे, तो हम लोग डरते नहीं है, सामने चोट करते हैं, कहते हैं कि जो हमारा अधिकार है क्या करेंगे आप, मेंबर हैं हम, हमारा अधिकार उनकी भाजपा की नियत ठीक नहीं है, संघ की नियत ठीक नहीं है, वो पूरे देश में की पोस्ट पे अपने आदमी बैठाना चाहते हैं, उन्होंने जुडिशरी और आपका जो है ब्यूरोक्रेसी में सेक्रेटरी के नाम पर और राजनीति में आई है, 3 स्तंभ है, मीडिया खरीद लिया, चौथा स्तंभ मीडिया जो कहते हैं रात दिन ऐसे ऐसे एंकर को समझाते हैं जैसे हमारे प्रोफेसर लोग पढ़ाते हैं पाठ, तो ऐसे दिन भर रखते हैं, क्योंकि वहाँ तो आप सवाल कर नहीं सकते हो, आप टी वी खोलोगे तो उन्हीं की बात समझ आएगी, बहुत से लोग देखते रहते हैं, बहुत से लोग उन्हीं की बात पर समझ जाते हैं कि जो टी वी खोलता है सही, और 90% जो है अपर कास्ट के लोग हैं एंकर और मीडिया में। अरे भाई उदाहरण के रूप में 99 हैं, वही उन्हीं के चैनल हैं, उन्हीं के लोग हैं, वही एंकरिंग करेंगे, हम तो सीधे कहते हैं गांव देहात की बात, जिसके घर का परसाइया हो गया, थोड़ा पहले चीनी चला करती थी, बोरा से चीनी थोड़ा मूठी ढीली कर देता था, अपने बच्चों में ज़्यादा चीनी शक्कर डाल देता था, घर के लोग तो अपनी बात करेंगे, ये बहुजनों की बात करेंगे, तो ये सवाल है, तो हमको भी जो अपने चैनल्स हैं जो पोर्टल हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।